नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके क्वालिटी मंत्रा में। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है फ्लैक्स सीड ऑयल के बारे में। अब ये फ्लैक्स सीड ऑयल होता क्या है, क्या होते हैं इसके बेनिफिट्स, किस तरह हमें इसे यूज करना होता है, और इस फ्लैक्स सीड ऑयल में और ओमेगा 3 फिश ऑयल में क्या फर्क होता है, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही रहेगा, तो ये जो सारे क्वेश्चन है इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जिस वीडियो को। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्लैक्सीड ऑयल में और ओमेगा 3 फिश ऑयल में फर्क क्या होता है। तो देखिए, जो ओमेगा 3 फिश ऑयल है ये बेसिकली फिश से ऑब्टेन किया जाता है, यानी क्लियरली ये एक नॉन वेज प्रोडक्ट है, तो वेजिटेरियन लोग इसका यूज नहीं कर सकते। और ये जो फ्लैक्सीड ऑयल है ये बेसिकली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, यानी एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, तो कोई भी लोग इसका यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फ्लैक्सीड ऑयल है इसको हिंदी में कहते हैं अलसी का तेल, तो हो सकता है आपको इसके बारे में पहले से ही पता हो। और अगर मैं बात करूँ इनकी सॉफ्ट जेल्स की, तो वो आपको एक जैसी लगेगी, मीन्स ओमेगा 3 की सॉफ्ट जेल और फ्लैक्सीड ऑयल की सॉफ्ट जेल्स, उनको ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो आपको ये दिखने में एक जैसी ही लगेगी। और दोस्तों यहाँ पे लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो इस ओमेगा 3 फिश ऑयल का यूज़ करें या फिर इस फ्लैक्सीड ऑयल का यूज़ करें, इस कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा। तो देखिए, ये जो ओमेगा 3 फिश ऑयल है इसमें आपको डायरेक्टली दो एसिड्स मिल जाते हैं, एक होता है EPA, दूसरा होता है DHA, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और नो डाउट आपको फ्लैक्सीड ऑयल में भी ये दोनों एसिड्स मिल जाएंगे, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं मिलते, मीन्स आपको ALA फॉर्म में मिलेंगे। ALA मीन्स अल्फा लेनोलेनिक एसिड, तो आपको ये डायरेक्टली नहीं मिलते, इस एसिड्स की फॉर्म में मिलेंगे, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है कि फर्दर EPA एंड DHA में कन्वर्ट कर देती। और एक बात और है कि ये जो फ्लैक्सीड ऑयल है ये एक नेचुरल सोर्स है ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो जो भी ओमेगा 3 फिश ऑयल के बेनिफिट्स हैं वो सारे आपको इस फ्लैक्सीड ऑयल में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप इस फ्लैक्सीड ऑयल का यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा है, जिससे आपको इसमें ज़्यादा अमाउंट में बेनिफिट्स मिल रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके बेनिफिट्स के बारे में, किसे यूज़ करने से हमें फ़ायदे क्या होंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसे ओमेगा 3 फिश ऑयल के बेनिफिट्स की, तो इसके बारे में मैंने कि पहले ही वीडियो बना रखी है, तो अच्छा होगा अगर आप उस वीडियो को देख लो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर कार्ड पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसे अलसी के तेल के फ़ायदों की, तो इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका पहला और मेन बेनिफिट ये होता है कि ये आपकी हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करके रखेगा। तो अगर कोई भी हार्ट डिजीज़ हो रखी है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, हार्ट डिजीज़ जैसे कि स्ट्रोक हो गया या और कोई डिजीज़ है, तो उसे ये ठीक करने में मदद कर देता है। इवन अगर आपकी कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो भी अगर आप इसका यूज़ करोगे तो वो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि फ्यूचर में आपको कोई भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ये जॉइंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मीन्स जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा, और कोई प्रॉब्लम है जॉइंट्स में तो उसे ये ठीक कर देगा, जिससे आपको ओवर एज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा इसका बेनिफिट ये कि ये ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ वगैरह होती है उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। दोस्तों इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस हेल्थवीड के फ्लैक्सीड ऑयल की, तो इस बॉटल में आपको मिल जाती है 60 सॉफ्ट जेल्स, इसमें से एक सॉफ्ट जेल में आपको 1000 मिलीग्राम अलसी का तेल मिल जाता है। और यहाँ पे ये लिस्ट किया गया है कि आप दिन में इसके 3 सॉफ्ट जेल्स का यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं अगर उनको इसका यूज़ करना है, तो पहले एक बार डॉक्टर से एडवाइस ले लें, उसके बाद इसका यूज़ करें। पर अगर मैं बात करूँ कि इसका यूज़ आपने कब करना होता है, तो खाना खाने के बाद आप इसका यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसका अच्छा इफेक्ट देखना चाहते हो तो फिर आप इसका दिन में 3 बार यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए अब हम बात करते हैं इनके प्राइस की और इनकी क्वांटिटी की। तो इन दोनों ही बॉटल में आपको 60 सॉफ्ट जेल्स मिल जाती हैं। और अगर मैं बात करूँ इस ओमेगा 3 के प्राइस की, तो यहाँ पर जो MRP प्राइस लिस्टेड है वो है 800 रुपीज़। और अगर मैं बात करूँ इस फ्लैक्सीड ऑयल के प्राइस की, तो यहाँ पर जो प्राइस लिस्टेड है वो है 600 रुपीज़। और यहाँ पे आपको मैं फिर बता देता हूँ कि जो ओमेगा 3 फिश ऑयल है उसके आपको एक ही सॉफ्ट जेल का यूज़ करना होता है, और ये जो फ्लैक्सीड ऑयल है इसके आप मैक्सिमम 3 सॉफ्ट जेल का यूज़ कर सकते हो। तो क्लियरली ये जो ओमेगा 3 फिश ऑयल है ज़्यादा लंबा चल जाएगा,
और जो फ्लैक्सीड ऑयल है ये उतना लंबा नहीं चलेगा। और अगर आप इसमें से किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनको काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हो। सो दोस्तों, ये था हेल्थवीट के फ्लैक्सीड ऑयल का रिव्यू और कंपैरिजन। उम्मीद है वीडियो को अच्छी लगी होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी अपने व्यूज हैं, सवाल हैं और वीडियो आपको कैसी लगी वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।